अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रावल लिहाज और आप देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स। फर्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी कि काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है। इसके रीज़न ये है कि आप में से बहुत से लोगों को मेरा काम पसंद है, वो मेरे से मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ऐप बना दें, तो उनके ऐप बनाने के चक्कर में जो है मैं थोड़ी वीडियो लेट हो जाती है मेरे से। तो फुल मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलर लाता रहूँ, और जो लोग चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज जो है काफ़ी आपको मैं यूनिक सा फीचर बताऊँगा जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा आपके ऐप में, खासतौर पे ऐसी ऐप जो कि जिनमें पॉइंट सिस्टम है ऐड किया हुआ है, या जिसमें आप कोई अपना चैनल प्रमोट करना चाह रहे हैं यूट्यूब का, या इसी से रिलेटेड मतलब कोई चीज़ आप प्रमोट करना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट आप किसी को पॉइंट दे रहे हैं या कोई उसको बेनिफिट दे रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आज का चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपने देखा होगा कि अगर आप यहाँ पर आएँगे यूज़र इंटरफेस में तो आपको यहाँ बॉटम शीट नज़र आ रही है, इसको आपने ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक बटन यहाँ पे कर लेना। अच्छा, ये आपको मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जहाँ लगाना चाहें, जैसे यूज़ करना चाहें, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से YouTube प्लेयर एक मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ अभी फ़िलहाल हम ये तीन कंपोनेंट ही ले रहे हैं, और अभी चलते हैं हम ब्लॉक पार्ट पर। ब्लॉक पार्ट में क्या करेंगे देखें, जब स्क्रीन इनिशियलाइज वाला ब्लॉक लेंगे यहाँ से, जब स्क्रीन इनिशियलाइज होगी यहाँ से, तो जो है आपने क्या करना है, आपने बॉटम शीट में आना है, और इसको जो आपने ये ले लेना है रजिस्टर कंपोनेंट एज डायलॉग। इसको लेके आपने यहाँ पे जो है इसको बताना कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे आप रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी कर सकते हैं, यहाँ रजिस्टर बटन हो, लेबल हो, कोई भी कंपोनेंट हो, आपको यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल सिर्फ यूट्यूब को बता रहा हूँ कि पॉपअप प्ले होगी वीडियो आपकी ऐप के अंदर ही, इसके ये नहीं होगा कि आपको अलग स्क्रीन पर जाना पड़े। इसमें आप देखेंगे कि अगर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कोई डाटा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वहाँ पे आपके डाटा एज इट इज़ रहेगा, उसके ऊपर पॉप अप ये शो हो जाएगी, ठीक है। अभी तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना ये, तो ये आपको नज़र नहीं आएगी जब आप इसको कंपोनेंट में यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे इस तरह से, ठीक है। जिसकी इनिशियलाइज होगी, इसने कंपोनेंट रजिस्टर कर लिया, इसके बाद आपने बटन लिया होगा, बटन क्लिक होने के बाद क्या हो, बटन पर जब क्लिक होगा यहाँ से हम ये लेंगे इवन बटन क्लिक। एक छोटा सा ट्यूटोरियल है पर बड़े काम का और यूनिक्स है, तो मैंने सोचा आपके साथ जो इसको शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे आपने YouTube में आना है, ठीक है। YouTube में आके आपने इसको ये लोड आईडी वाला कर देना है, ठीक है। लोड आईडी वाला भी कर सकते हैं, इंस्टेंट लोड आईडी वाला भी कर सकते हैं, जो आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा करें। इंस्टेंट आईडी पे करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वीडियो को प्ले कर देगा, और लोड आईडी में करेंगे इसमें वीडियो खुद उसको प्ले करनी पड़ेगी यूज़र को। अच्छा, आप आईडी आपने कहाँ से लेनी है, आपने जो है जो भी वीडियो आपने डालनी है इसमें, कोशिश करें कि आप अपनी खुद की वीडियो डालें, ठीक है। ये मैं अपने चैनल पर आ गया हूँ मैं। अच्छा, बहुत से लोगों को इशू हो रहा था कि वो मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। एक तो मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेरी इसमें पाएंगे चैनल पे आएंगे तो आपको ये देखेंगे व्हाट्सएप का आइकन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है व्हाट्सएप मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, या फिर आपको ये फेसबुक का पेज भी मेरा मिल जाएगा, इससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं कॉपी यहाँ से लिंक एड्रेस कर लेता हूँ, और यहाँ से दोबारा अपने आ जाता हूँ कॉडलर में। इसमें जो आपने इसको पेस्ट करना है, इसको आपने एज इट इज़ पेज नहीं कर देना, आप ये देख रहे हैं इज़ इक्वल टू का निशान है, ठीक है। यहाँ से आपने लेके और एंड तक इसको रिमूव कर देना, सिर्फ आपकी जो इज़ इक्वल टू के आगे के जो होगा जो भी लिखा होगा कोड, ठीक है, इसको आपने रखना है। और ये आपकी यूट्यूब की वीडियो की आईडी होती है। इसके बाद जो आपने बॉटम शीट में आना है, इसको आपने करना है यहाँ पर कॉल शो डायलॉग, ठीक है। बस यही हमारा आज का काम था छोटा सा। अब इसको हम टेस्ट करते हैं लाइव कि आपको ये कैसे पॉपअप वीडियो जो है प्ले होगी और कैसे आपको लगेगी, लेकिन आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी यूट्यूब जहाँ पे नज़र आ रहा। तो चलिए चलते हैं लाइव टेस्ट की तरफ जी। तो अब मैं इसको लाइव टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें वही बटन है, देखें आपको यूट्यूब की यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो आपने कंपोनेंट डाला था, अक्सर अगर वैसे आप डालें तो ये नज़र आता है आपको, पर अभी यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा। अब देखें जो बटन में क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखें नीचे से वो जो है आपकी बॉटम शीट आप हुई है, और वहाँ पे आपकी वीडियो शो होगी। उससे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें ये वीडियो यहाँ पे प्ले होगी, ठीक है। और अब देखें मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा से हाइड हो जाएगी, दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वीडियो उधर ही आ रही है, और देखें आपका बटन भी नज़र आ रहा है। बाकी हर चीज़ एज इट इज़ वैसे ही, आपकी कोई भी चीज़ यहाँ से रिमूव नहीं होगी, यहाँ पर आपका जो भी कॉन्टेंट होगा वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। इवन कि मैंने कुछ भी इसमें नहीं किया ना बैकवेस का कुछ भी, बैकवेस करेंगे तो भी आपका ये हाइड हो जाएगा। तो फिर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो आने तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।